हाय फ्रेंड्स, पावर टेक्योर में आपका फिर स्वागत है। आज आपको दिखाऊंगा मैं वेस्ट टू वेंडर, दुनिया के 7 अजूबे जो दिल्ली में है, जो दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड के पास है और निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास। हम जा रहे हैं, यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर 2 मिनट में। आप बने रहेगा, ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये पहुंच गए वेस्ट टू वेंडर पे। ये देखिएगा काफ़ी अच्छा, यहाँ पे ये बाहर का आपका दृश्य दिखाई दे रहा है, गेट के बाहर का। यहाँ से ये टिकट घर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। आपको ये बता दूँ कि यहाँ का टिकट जो है 50 रुपये का है, ओनली संडे को ये 100 रुपये का हो जाता है और मंडे को यहाँ पे क्लोज रहता है। आने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। हमने इंटर कर लिया है गेट के अंदर। देखा, ये अंदर का दृश्य है। ये देखिएगा यहाँ पे एक जवान की मूर्ति बनाई गई है जो काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखिएगा यहाँ पे यहाँ से हम अंदर को जाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं लोग। यह है यहाँ का पहला अजूबा, गिजाम का पिरामिड जो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ये हमारे गुन्नू, हाय बोल दे सबसे। हाय, सबको हाय बोल दे, मेरे गुन्नू भी आई आज। आपको दिखाऊंगा दूसरा अजूबा, पीसा का जुगा मीनार। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत पूरे लोहे का बना हुआ है। ये देखिएगा, ये इसका नीचे का पोजीशन, यहाँ पे एक कुत्ता भी सोया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, अब आपको तीसरा अजूबा दिखाऊंगा। अब इसमें पढ़ सकते हो, ये है एफिल टावर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने इतना खूबसूरत बनाया गया है। अब देखते रहना इसको। ये देखिए इसका नीचे का पोजीशन, ये देखिएगा काफ़ी दूर से मैंने फ़ोटो ले रखी है। ये देखिएगा पूरी फोटो इसकी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये फ्रेंड्स रात में काफ़ी और अच्छा लगता है, अगर आप शाम को आ सकते हो 4-5 बजे के बाद तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। जब इसमें लाइट पड़ती है तो ये काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है इसका। आप कोशिश करें आप शाम को आएँ 5-6 बजे बाद। हाँ, आपको थोड़ा सा ये बताना भूल गया था कि ये सुबह 11 बजे ओपन होता है और शाम के 11 बजे क्लोज होता है। आप कोशिश करें आप शाम को ही आएँ 5-6 बजे, 5-6 के बीच में। उस समय काफ़ी अच्छा नज़ारा दृश्य देखने को मिलेगा आपको। फिर से आपको दिखाऊंगा दुनिया का चौथा अजूबा जो है कोलोजियम। ये देखिएगा, ये इसका नीचे का पोजीशन जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिएगा, ये बीच में डिज़ाइन बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स अब आपको दिखाया जाएगा पांचवा अजूबा दुनिया का, ये है ताजमहल। ये देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। ये देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। लोग यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। यहाँ इसका अंदर एंट्री करना अलाउड नहीं रहता, चारों तरफ से ये बाउंड्री लगाई जाती है इन पर। ये देखिएगा इतना खूबसूरत लग रहा है, ये इसके स्तंभ हैं। ये देखिएगा, आप जूम करके देख सकते हैं इसको, मैंने जूम करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रखी है। देखिए काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पे। ये देखिएगा, जैसे जैसे आगरा का ताजमहल है इसको वैसे ही लुक दिया गया है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप जैसे अब आपको दिखाऊंगा रियो रिडीमर्स। ये देख सकते हैं आप, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ का। ये देखिएगा, ये साइड का पार्क है। ये देखिएगा,
काफी सुंदर दृश्य यहाँ का, ये देखिए यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, बेंच है, ये नीचे बाउंड्री लगाई गई है, और ये यहाँ पे एक बंदर भी बनाया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए ये पार्क है बहुत बड़ा, सेवर वंडर पार्क। अब आपको सातवां अजूबा दिखाया जाएगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का, ये देखिएगा ये नीचे के इसकी बाउंड्री, नीचे का पोजीशन इसका काफ़ी सुंदर, ये देखिएगा, ये और पास ला के आपको दिखाता हूँ, ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है इसके, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिएगा काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लगता है अगर रात में आओ तो और अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स, पार्क के अंदर ही एक पानी की व्यवस्था बनाई गई है, जो ये पानी छोड़ा गया है इस पर, ये नीचे को बहता है, जो काफ़ी अच्छा दृश्य लगता है। ये देखिए यहाँ पे एक बंदर भी बनाया गया है जो काफ़ी अच्छा लगता है, ये देखिएगा पानी बह रहा है, पहाड़ों की फीलिंग आती है इस पर, ये देखिएगा ये नीचे इकट्ठा होता पानी, यही पानी बैग ऊपर आता है, ये देखिएगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा कमेंट करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना। Thank you.